दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने शेयर मार्केट का नाम तो सुना है लेकिन शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, ना ही कभी शेयर खरीदा है ना ही बेचा है, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो खत्म होते होते शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जान जाएंगे। तो आप यूं समझ सकते हैं ये वीडियो है स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है तो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। शेयर मार्केट दोस्तों, नाम से ही पता चलता है एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा अकाउंट की जरूरत होगी, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या काम करता है दोस्तों, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट होता है, बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप शेयर खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। इसके अलावा डीमैट अकाउंट क्या काम करता है, देखिए दोस्तों, जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो उन शेयर्स को कहीं ना कहीं तो रखना होगा, तो वो रखने की जो जगह होती है वो होती है डीमैट अकाउंट। पहले के जमाने में जब भी आप शेयर खरीदते थे तो आपको फिजिकल कॉपी मिलती थी, लेकिन आजकल आपको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है, इसलिए उसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। तो आप जितने भी शेयर्स खरीदेंगे वो सारे के सारे आपके शेयर डीमैट अकाउंट के अंदर सेव होंगे, और जब भी आप शेयर बेचेंगे तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर दूसरी पार्टी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जिसको आपने शेयर्स बेचे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। फाइव पैसा कंपनी आप लोगों के लिए दो ऑफर लेकर आई है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे यंगस्टर्स है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन एक ही जगह पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसके अलावा जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें भी तरह तरह के चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन को हमेशा टालते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फाइव पैसा कंपनी यंगस्टर और स्टूडेंट्स के लिए दो ऑफर लेकर आई है। सबसे पहला ऑफर, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी होगी। हाँ दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर डिलीवरी करो, आपसे किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज चार्जेस नहीं चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं मतलब AMC, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम दूसरे ब्रोकर्स की बात करें तो वो 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन फाइव पैसा को आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त CDSL को हमको DP चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो फाइव पैसा कंपनी आपसे सिर्फ 5 रुपए चार्ज करती है। वहीं अगर हम दूसरे ब्रोकर्स की बात करें तो वो आपसे लगभग 15 रुपए चार्ज करते हैं। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको कोई कमीशन देना होगा। अब दूसरा ऑफर है, फाइव पैसा आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फाइव पैसा स्कूल। ये शेयर मार्केट से जुड़ी एक लर्निंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 मिनट में समझाया गया है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट है school.5paisa.com। तो दोस्तों, 5paisa का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, कूपन कोड है यंग वेस्टर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये कूपन कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसकी मदद से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है रमेश। रमेश बैग बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस शुरू करने के लिए वो 5 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, अपने बिजनेस को सेटअप करता है, और जैसे जैसे उसको बिजनेस में प्रॉफिट होते रहता है वो प्रॉफिट फिर से अपने बिजनेस में डालता है। धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। उसके बाद में दोस्तों, रमेश सोचता है कि मुझे मेरे बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड करना चाहिए, जिसके लिए उसको 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 200 करोड़ रुपए उसको 3 तरीकों से मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका, वो किसी बैंक के पास जा सकता है और बता सकता है कि मुझे 200 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड करना चाहता हूं। दोस्तों, बैंक उसको पैसे दे भी देगी क्योंकि उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर वो बैंक से पैसे ले लेता है तो उसको एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए बैंक उसको 200 करोड़ रुपए ये महीने देती है, तो अगले महीने से उसको EMI पे करना होगा, और वो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले महीने से उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि बिजनेस को एक्सपांड करने के बाद लगभग 1-1.5 साल निकल जाएगा प्रॉफिट आने के लिए, तो इसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जा सकता है। उसको जाके बोल सकता है कि मेरी कंपनी के इतने शेयर आप ले लीजिए, इसके बदले में मुझे 200 करोड़ रुपए दे दीजिए। लेकिन इस तरीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर उसको 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ चाहिए तो उसको आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर उसको इतना पैसा दे सकता है। तो उसके पास तीसरा ऑप्शन बचता है, वो पब्लिक के पास जा सकता है और पब्लिक को बोल सकता है कि मेरी कंपनी के इतने शेयर ले लीजिए, इतने शेयर अगर आप
खरीदते हैं तो आपको इतने पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको 200 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो अपनी कंपनी के 20 लाख शेयर बना सकता है और पर शेयर की प्राइस रख सकता है 1000 रुपया। तो दोस्तों जो लोग भी उसकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो लोग उसकी कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो जितने भी मात्रा में आपने शेयर खरीदे होंगे उतनी ओनरशिप आपकी हो जाती है उस कंपनी के ऊपर। अब इस केस में क्या होगा, रमेश को मिल जाएंगे 200 करोड़ रुपए, वो अपनी कंपनी को एक्सपांड करेगा और जैसे जैसे उसकी कंपनी ग्रो करेगी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जिन लोगों ने शेयर खरीदा है उनको प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ख्याल आए ऐसे तो कोई भी कंपनी उठ के आएगी और बोलेगी मेरे शेयर खरीद लो और पैसे लेके भाग गई तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी ऐसा कभी नहीं होने देगी। अभी सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, उसी प्रकार शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचना चाहती है तो सबसे पहले उसको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए। जब कोई कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है उसके बाद में उसको परमिशन मिलती है अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचने के लिए। अगर कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती तो उसको परमिशन नहीं दी जाती है। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि ये शेयर बिकते कहाँ पे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, बीएसई और एनएसई। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जिस भी कंपनी को सेबी की तरफ से परमिशन मिलती है उनको लिस्ट कर दिया जाता है इन स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद में पब्लिक इनके शेयर्स खरीद सकती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा इस कंपनी का आईपीओ आया, उस कंपनी का आईपीओ आया, तो ये आईपीओ क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैंने आपको जो रमेश का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए सेबी की तरफ से उसको परमिशन मिल जाती है कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच सकता है, तो जब वो अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक को बेचता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो आईपीओ होता है मोस्टली ये 3 दिन के लिए होता है, तो 3 दिन के अंदर जो भी चाहे वो उसके शेयर्स खरीद सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए सेबी ने किसी कंपनी को परमिशन दी कि आप अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हो और कंपनी लिस्ट हो जाती है बीएसई में या फिर एनएसई में, और उसके बाद में पब्लिक को शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो सेबी उस कंपनी को अनलिस्ट भी कर सकती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के आईपीओ में उसका शेयर खरीदा तो उसके बाद में अगर आप चाहें तो उसके शेयर को बेच भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो कहीं से खरीद भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद सकते। कंपनी सिर्फ 3 दिन तक बेच सकती है उसके आईपीओ पीरियड में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एक फिक्स टाइमिंग है, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों आपको शेयर मार्केट में 2 वर्ड्स और सुनने को मिल जाएंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 मतलब एनएससी में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है उनका कलेक्शन, और सेंसेक्स का मतलब होता है बीएसई में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से टॉप 30 कंपनीज का कलेक्शन। अब दोस्तों ये कलेक्शन क्यों बनाया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक इकाई होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज को उठाते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि उसका वजन कितना है, हमने जो इकाई बनाई है वो है ग्राम या फिर किलोग्राम। उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट तेजी में है कि मंदी में है, ये चेक करने के लिए इन्होंने निफ्टी 50 और सेंसेक्स बनाया है। अगर निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं अगर वो तेजी में है मतलब मार्केट तेजी में है, मतलब मार्केट अपवर्ड की तरफ है, अगर मंदी में है तो मतलब मार्केट डाउनवर्ड की तरफ है। उसी प्रकार अगर सेंसेक्स में जो कंपनीज हैं अगर वो तेजी में है तो मार्केट ऊपर की तरफ है और अगर मंदी में है तो मार्केट नीचे की तरफ है। तो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को मापने के लिए ये दोनों को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएसई में 5,500 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएसई में लगभग 1700 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर आपको चेक करना है कि बीएसई में कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर एनएसई में कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप कैसे चेक कर पाओगे? अगर आप एक एक कंपनी को चेक करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो उसके लिए भी ये काम आती है। इसके अलावा दोस्तों पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से भी अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी फार्मा, बीएसई बैंकेक्स और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला आप एज एन इन्वेस्टर काम कर सकते हैं और दूसरा आप एज ए ट्रेडर काम कर सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और शेयर खरीदने के बाद उस शेयर को अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं
मतलब एक साल, दो साल या पांच साल के लिए, तो आप एज एन इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। और अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं और तुरंत बेच देते हैं, तो आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर एज ए ट्रेडर भी काम करते हैं, मतलब तुरंत शेयर को खरीदते हैं, फिर थोड़ा सा उनको प्रॉफिट होता है, बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एज एन इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका टीम मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीजें आपको उस कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, उसके बाद में आपको उसका शेयर खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों आप एज ए ट्रेडर काम करना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों के ऊपर अलग अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो शेयर मार्केट होता है उसमें सिर्फ शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। उसके अंदर बॉन्ड्स भी होते हैं, डेरिवेटिव्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, शेयर्स भी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, शेयर मार्केट मतलब सिर्फ शेयर्स और स्टॉक मार्केट मतलब और भी उसमें चीजें आ जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपको ऑफर ऑलरेडी बता दिया है। आप 5paisa कंपनी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट मिल जाएगा। 5paisa कंपनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो 5paisa स्कूल के बारे में बताया था, उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी आप शेयर मार्केट के बारे में और भी जानकारी जान सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।